हे गाइस, बात करने वाले हैं नज़र शो के बारे में। नज़र शो की अगर बात करें तो सीज़न फर्स्ट सुपर डुपर हिट गया था, यही वजह रही कि इस शो के हाई डिमांड पर सीज़न टू आया और सीज़न टू भी कमाल किया है। फाइनली जो खबरें सामने आ रही हैं वो है सीज़न थ्री को लेकर। लगातार लोग एक्साइटेड हैं, जहाँ पर एक बार फिर से लोग यहाँ पर वैम्पायर का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखना चाहते हैं, मतलब एक पिशाचिनी का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखना चाहते हैं मोनालिसा को, जो कि सीज़न फर्स्ट में भी थी और सीज़न टू में भी नज़र आई और सीज़न थ्री में भी लोगों ने एज इट इज़ देखना चाहते हैं। वहीं बात करें बाकी के स्टार कास्ट की, तो यहाँ पर बहुत सारी एक्ट्रेसेस को डे बाय डे कास्ट किया गया है, मतलब हर एक एक्ट्रेस की एंट्री होती है शो के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा। तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया शो, मतलब सभी एक्ट्रेसेस यहाँ पर एक एक करके नज़र आई हैं शो के अंदर। और शो की टीआरपी की बात करें तो वाकई में शो की टीआरपी में काफ़ी कमाल हुआ है और लोगों ने शो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। सीज़न थ्री की डिमांड इसी वजह से हाई है। वैसे तो बात करी जाए तो यहाँ पर नियति फतनानी और हर्ष राजपूत की जोड़ी देखने को मिली थी और यही जोड़ी लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा से देखने को मिलनी चाहिए। अब देखते हैं इस जोड़ी को लेकर रिप्लेसमेंट होती है या फिर वही जोड़ी नज़र आएगी, तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर जिस तरह से मोनालिसा की बात करें सीज़न टू में भी थी, तो उम्मीद करी जा सकती है कि वो सीज़न थ्री में भी आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगी। फैंस एक्साइटेड हैं फिलहाल, तो खबरें लगातार सामने आती ही रहती हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है तो कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, नज़र शो का सीज़न थ्री आपको स्टार भारत पर देखने को मिल सकता है या फिर स्टार प्लस पर। चांसेस हैं कि शायद आपको स्टार भारत पर भी देखने को मिल जाए। अभी देखना ये है, जिस तरह से स्टार भारत की टीआरपी चैनल की कम है, तो ऐसे में किस तरह से इस पर ऑन एयर होना चाहिए या फिर स्टार प्लस पर ही ऑन एयर होना चाहिए, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस शो का सीज़न थ्री आ सकता है, जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकता है, इसके हाईली चांसेस हैं। अब देखते हैं कि वहाँ पर स्टार कास्ट कौन नज़र आएगी, कौन चेहरे देखने को मिलेंगे और कौन चेहरों की रिप्लेसमेंट होती है। फिलहाल अगर बात करें नियति फतनानी की, तो वो किसी प्रोजेक्ट में ऐसा देखने को करेंटली नहीं मिल रही हैं, और वहीं हर्ष राजपूत का भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, तो इनके चांसेस हैं दोबारा नज़र आने के। क्या कुछ कहना है ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।